بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو برائے بندگی ہے याद रख बहरे सर अफगंदगी है याद रख वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख चंद रोजा जिंदगी है याद रख एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या तीन चीज़ों के लिए दुनिया में लोग परेशान होते हैं माल के लिए ओहदे के लिए आलीशान मकान के लिए तू और शान के लिए तूने मनसब भी अगर पाया तो क्या गंज सीम और जर सोने चांदी का खजाना गंज सीम और जर भी हाथ आया तो क्या कसर आलीशान भी बनवाया तो क्या दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है कैसरो इस्कंदरो जम चल बसे बड़े बड़े बादशाह जाल और सोहराब और रुस्तम पहलवान बड़े जाल और सोहराब और रुस्तम चल बसे कैसे कैसे शेर और जैगम चल बसे सब दिखाकर अपना दम खम चल बसे एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने पील तन हाथियों जैसे लोग पील तन क्या क्या पछाड़े मौत ने सर्व कद कब्रों में गाड़े मौत ने एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है तुझको गाफिल फिक्र उकबा कुछ नहीं खा न धोखा ऐशे दुनिया कुछ नहीं जिंदगी ये चंद रोजा कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम
चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम सांस है एक रह रवे मुल्क आदम दफ़ातन एक रोज ये जाएगा थम एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन कब्र में होगा ठिकाना एक दिन मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन अपना गफलत में गवाना एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर उम्र ये एक दिन गुजरनी है ज़रूर कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है आने वाली किससे टाली जाएगी जान ठहरी जाने वाली जाएगी रूह रग रग से निकाली जाएगी तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं जाए ऐशो इशरत व मस्ती नहीं एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है अल्लाह ताला के फजल से और आप हजरात की मोहब्बत की बरकत से आज ये फिर हाजिरी हुई है एक अरसे के बाद और हजरत मौलाना मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये पहली हाजिरी है हमारी इस एतबार से मेरे लिए ये एक मुश्किल दिन है कि जब मैं आया हूँ और मुफ्ती साहब नहीं है वो तो अपने अच्छे आमाल की जजा पाने के लिए अपने रब के यहाँ चले गए हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है हकीकत में जो बड़े हैं और थे और उनकी खसूसियात को जाना है और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब तो अपने गोया उम्र और ज़माने के एतबार से हमारे मुआसिर शुमार हो सकते थे फरागत तो उनकी मुझसे बाद में थी उम्र में एक दो साल बड़े थे लेकिन फरागत उनकी दारुल उलूम से मुझसे बाद में थी दो तीन साल के बाद इस एतबार से वो हमारे बराबर के लोगों में थे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको जो खसूसियात अता फरमाई थी उसके एतबार से वो मेरे अकाबिर में थे मेरे बड़ों में थे और हमने बहुत बड़े लोगों में जो सिफात पाई हैं अल्लाह ने वो सिफात उनको अता फरमाई किसी आदमी की शख्सियत की जो शाहकलीर होती है जो गोया के उसकी शख्सियत की पहचान होती है वो एक चीज होती है काम तो बहुत से होते हैं खूबियां बहुत सी होती हैं लेकिन मौलाना मुफ्ती फैज़ुल वहीद रहमतुल्लाह की जो बात उनकी ज़िंदगी में भी मैं महसूस करता था और इसी वजह से उनके कामों में शरीक होने को अपनी सआदत समझता था हमें दावत तो बहुत लोग देते हैं पूरे मुल्क में लेकिन जिन दो तीन जगहों पर दावत देने वाले की शख्सियत की वजह से
जाने को जी चाहता था उनमें से ये जगह मुफ्ती साहब की वजह से। तो उनकी जो वो खुसूसियत जिसकी वजह से उनकी कदर दिल में थी वो ये कि जो एक ईमान कामिल ईमान वाले आदमी की नजर सिर्फ आखिरत पर होती है, दुनिया की तलब उसको नहीं होती, और ये बात सारी उम्र मेहनत करके भी अगर किसी को मिल जाए तो सआदत है, ये सिफत अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। वो जो काम करते थे अल्लाह की रजा के लिए करते थे, उससे उनका मकसद न दुनिया का माल होता था न दुनिया की जाह और मर्तबा होता था। وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آخرت بس وہی مقصد ہے۔ یہ بات ہمیں بھی اللہ تعالی نصیب فرما دے۔ تو بیڑا پار ہو جائے۔ गुज़िश्ता एक दो साल के अरसे में जिन शख्सियात से हम महरूम हुए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े अकाबिर हैं, लेकिन जिन दो चार आदमियों के जाने का सबसे ज़्यादा हमारी तबीयत पे असर पड़ा और हमने ये महसूस किया कि उनके जाने का नुकसान हम जैसे लोगों को होगा, उनमें मुफ्ती फैज़ुल वहीद का नाम है। अपने साथियों या अपने हमजमाना लोगों के सिलसिले में आदमी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करता है आसानी से, लेकिन जब किसी की शख्सियत मजबूर कर दे कायल होने पर तो कहना ही पड़ेगा। हकीकत अलहक युकाल, हक कहा ही जाता है। हमने पढ़ने के ज़माने से उनको देखा, मैं तो मोइन मुदर्रिस था जब वो फारिग हुए, और वो ऐसे ही थे, देखने में भी ऐसे ही थे उस ज़माने में भी, पगड़ी भी थी और बाल भी थे और वो अंदाज था, वो याद है मुझे उस वक्त से उनका उनको देखना। तो उनकी शख्सियत में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई झोल नहीं पाया। हम अपने बारे में हम जानते हैं कि हमारे जैसे लोगों का काम तो सिर्फ अल्लाह ताला की सत्तारी से चल रहा है, लेकिन वो लोग जिनका जाहिर और बातिन एक जैसा होता है, जिनकी खलवत जलवत एक जैसी होती है, और ये बहुत बड़ा मेयार है किसी शख्सियत का, उस मेयार पर मुफ्ती फैज़ुल वहीद पूरे उतरते हैं। अल्लाह ताला उनसे राजी हो और उनका नेमत बदल इस कौम को अता फरमाए। बयान तो जाहिर है कि मुझे करना है, लेकिन उनके उनकी गैर मौजूदगी में बयान भी आसान नहीं हो रहा है। जी ये चाहता है कि उन्हीं का तज़किरा करते रहें, उन्हीं की बात करते रहें। मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात और ख़ास तौर से हमारे ये अजीज़ लोग जिनको उनका ये इदारा चलाने की ज़िम्मेदारी और उनके मामलात संभालने की ज़िम्मेदारी है, मौलाना सगीर मुफ्ती सगीर अहमद अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे मौलाना इरफान अल्लाह ताला इनको वो सलाहियतें और वो तौफीक अता फरमाए, और जो और रुफका हैं असातिज़ा हैं मदरसे के, और हमारे भाई अनवर साहब और तमाम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरीक़े पर चलने के लिए तैयार हैं और कोशा हैं।
अल्लाह ताला आसान फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा मौलवी इरफान से कि मुफ्ती साहब के बारे में तहरीरी काम की ज़रूरत है, लिखा जाए, तो इन्होंने खुशखबरी सुनाई कि दो तीन किताबें तो अब तक छप चुकी हैं। इसहाक नाज़ुकी साहब ने लिखी है और हाफिज मकसूद साहब ने लिखी है और एक एक किताब जो है हमारे इसी मदरसे के उस्ताद मौलाना मुफ्ती मेराज ने लिखी है जो आज हमारे सामने आई है। इसका नाम है ताबनाक ज़िंदगी के रोशन नकूश, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताबनाक ज़िंदगी के रोशन नकूश, ये मुफ्ती मेराज ने लिखी है। तकरीबन जी छप चुकी है, छप गई है, ज़ाहिर छपी हुई मेरे हाथ में है, इसको आप हजरात ले भी सकते हैं। ये इस वक्त गोया इसका तारुफ ही मकसूद है जो आजकल होता है तरीका। ये किताब के सामने और लिखा जाएगा। मैंने इनसे कहा है कि उनके मुआसिरीन से, उनके साथियों से, उनके ताल्लुक वालों से भी लिखवाया जाए। मैं खुद भी इरादा रखता हूँ इंशाअल्लाह लिखूँगा। असल मकसद लिखने का भी ये है कि किसी शख्सियत की खसूसियात महफूज हों और बाद वालों के लिए उस पर चलना, उस रास्ते पर चलना आसान हो। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए और हम सबको उसी राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मंजिल सबकी आखिरत है। ये दुनिया सफर का एक पड़ाव है, हम सबको मालूम है ये बात, मगर दुनिया में रहकर किसी दर्जे में हमें भूल हो जाती है, गफलत हो जाती है और उसकी वजह से आखिरत की तैयारी में कमी आ जाती है। समझदार लोग वो हैं जो आखिरत को सामने रखते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकैसु मन दाना नफ्सहु وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله। दो दो मेयार बताए हैं हुजूर ने, एक समझदार आदमी और एक बेवकूफ आदमी। हम लोग भी ये काम करते हैं कि समझदार कौन है, बेवकूफ कौन है, ये हम मुतय्यन करते हैं। बाज़ आदमी अपने आप को बड़ा समझदार आजकल समझते हैं, बहुत स्मार्ट और बहुत ज़हीन और समझदार, लेकिन सही मेयार वही हो सकता है जो अल्लाह के पैगंबर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अक्लमंद वो आदमी है जो अपने नफ्स को ताबे कर ले या अपने नफ्स को सही रुख पर चला दे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए काम करे, अमल करे। ये आदमी अकलमंद है और वजह उसकी ये है कि ये बात सच्ची है कि दुनिया में रहना नहीं है, जितना रहना है वो बहुत थोड़ा है। कुरान और हदीस को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो लोग चले गए हैं वो वहां जाकर हम जैसे गाफिलों पर शायद हंसते होंगे कि कितने बेवकूफ लोग हैं, दुनिया की जिंदगी को असल समझे बैठे हैं। समझदार लोग ऐसा नहीं करते। अभी ये लोग बता रहे थे, फिर मुफ्ती साहब याद आ गए कि वो पैसा भी नहीं रखते थे अपने पास, पैसा आता था तकसीम कर देते थे, दे देते थे, हदिया कर देते थे, गरीबों को दे देते थे। बाज मरतबा सारी तनख्वाह दाखिले के ज़माने में फी तलबा की फीस में दे देते थे, जो गरीब तलबा फीस नहीं दे सकते उनको दे दिया करते थे। क्यों? आखिरत के लिए। क्योंकि अमील लिमा बादल मौत, अक्लमंद आदमी वो है जो मा बादल मौत के लिए, आखिरत के लिए काम करता है। अगला टुकड़ा जो है वो ऐसा है कि डराता है हम जैसों को। आप जरा गौर कीजिएगा, वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह।
इस लफ्ज आजिज का तर्जमा मैं नाकाम करता हूं और बेवकूफ भी किया जा सकता है। बेवकूफ वो आदमी है, चूंकि उधर अकलमंद कहा था ना, तो अकलमंद के मुकाबले में बेवकूफ है। बेवकूफ वो आदमी है या नाकाम वो आदमी है जो अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिश के पीछे चलाता रहता है और अल्लाह ताला के बारे में तमन्नाएं करता रहता है कि अल्लाह ऐसा कर दे और ऐसा कर दे। आप जरा गौर करें, क्या हम में से अक्सर लोगों का ये किस्सा नहीं है? जायजा लेने की जरूरत है। हमारा हाल ये है कि किसी भी किस्म की ख्वाहिश हमारे सामने आती है तो हम चाहते हैं कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, जरूर पूरी हो जाए, जो भी ख्वाहिश है। जायज ख्वाहिशात की हद तक तो चलिए इजाजत है, लेकिन हम तो अपनी नाजायज ख्वाहिशात को भी पूरा करने से बाज नहीं आते, और उसके बाद अल्लाह ताला से ये उम्मीदें मांगते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए वैसी मदद नाजिल हो जाए जैसे सहाबा के लिए नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह ताला की मदद नाजिल होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले कुर्बानी होती है, फिर मदद आती है। जो लोग अपने अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के पीछे पड़े हों फिर वो अल्लाह ताला के बारे में तमन्नाएं करें, ये माकूल बात नहीं है, ये बेवकूफ लोग हैं। और अजीब बात है कि हम में से अक्सरियत का इस वक्त यही हाल है। बात बहुत कुछ कहने को है, और सही बात यह है जहन मुरतब नहीं है, इस वक्त हाजिर नहीं है, वो एक चीज छाई हुई है दिमाग पर। हमारे जमाने में जो मसला है मुसलमानों के लिए, और ये मसला सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, ये जरा गौर कीजिएगा मेरी इस बात पर, मसला सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, सारी दुनिया में, उन मुल्कों में भी जो हमारे कहलाते हैं, मसला है सही तौर पर ईमान की हिफाजत का। सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के लिए जो इस वक्त बना हुआ है, मुसलमान अपना ईमान बाकी रख सकें और सही दीन पर चल सकें, ये मसला हर जगह बना हुआ है इस वक्त। दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जिनको हम अपना मुल्क कह सकते हैं, हमारे हैं, और ये भी हमारा है, जब हम यहां रहते हैं तो हम यहां, ये भी हमारा मुल्क है, लेकिन अल्लाह की जमीन पर शैतान की ताकतों ने जो पंजे गाड़े हैं और उसके मिशन को, शैतान के मिशन को पूरा करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसकी रोशनी में हमारे सामने सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है ईमान की हिफाजत का, ईमान को सही शक्ल में कायम रखने का। इसकी तफसीलात में जाने का मुझे मौका नहीं, मैं जल्दी से कहता हूं कि शैतान का मिशन है इंसानों को जहन्नम में ले जाना, और उसका रास्ता है ईमान से महरूम करना या कम से कम ईमान को कमजोर करना। इसके लिए दुनिया में काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि हम लोगों को शायद उसकी खबर भी नहीं है, हमें पता भी नहीं शायद। मैं तो कुछ ज्यादा हालात से वाकिफियत का दावा भी नहीं कर सकता, और ज्यादा जबानें हम लोग नहीं जानते, हम उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं, उर्दू अरबी या हिंदुस्तान की जबान हिंदी जो उर्दू से मिलती जुलती है, तो हम ये देख रहे हैं हिंदी जबान में और अरबी जबान में, अरबी में जो मुसलमानों की जबान, जो कुरान की जबान है, जो गोया मुस्लिम ममालिक की जबान है, उसमें जो काम हो रहा है ईमान खत्म करने के लिए। ईमान खत्म करने का मतलब आप समझ लें, मैंने एक हदीस पढ़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आदमी ईमान का जायका चख लेता है, तर्जमा कर रहा हूं, जो अल्लाह को पसंद करे रब के तौर पर, अल्लाह ताला को रब माने पसंदीदगी के साथ, दिल की रजा के साथ, खुशी के साथ, इस्लाम को अपना मजहब माने रजा और खुशी के साथ, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रसूल माने उसी कैफियत के साथ, रजा और खुशी के साथ। रजा का मतलब क्या होता है, मिसाल देता हूं कि मसलन आपको किसी कपड़े की जरूरत है और आपके जहन में खास कपड़ा है कि वो कपड़ा मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। आप बाजार में निकले और एक दुकान पर तलाश करके वो कपड़ा मिल गया,
बात खत्म। अब आप वो ले लेंगे कि मैं इसी की तलाश में था, अब कोई दूसरा कपड़ा पेश करे आपने नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो था जो तलाश थी वो पूरी हो गई, दूसरा हमारे सामने कुछ नहीं, गौर ही नहीं करना है। बस ये कैफियत कि आदमी कलमा पढ़ता है तो अब दूसरा ऑप्शन उसके सामने नहीं है, रब मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह को रब मानकर मुतमईन हूं। एक आदमी शक पैदा करता है, दुनिया में जो काम हो रहा है वो शक पैदा करने का काम हो रहा है, असल में शक पैदा करना, और उसके नतीजे में उनको कामयाबी भी मिल रही है, उससे ज्यादा आप जानते होंगे, कम से कम तालीमी इदारों का हाल तो जानते ही होंगे, जहां लोग एथिस्ट बन रहे हैं, मुलहिद बन रहे हैं, जगह जगह अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे और हर मजहब के बच्चे, पस मंजर उनका जो भी है, बैकग्राउंड किसी भी मजहब का है, वो मुलहिद हो रहे हैं। लेकिन यही एक रास्ता नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, शक पैदा करने वाली बात। हमें क्या है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मेरा रब अल्लाह है, मैं उसके रब मानने पर राजी हूं, मुतमईन हूं, यानी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा गौर करने का मौका नहीं है। एक आदमी कहता है कि तुम अल्लाह को रब मानते हो, तुमने अल्लाह को देखा, तो अब आप सोचने लगे कि हाँ देखा तो नहीं, पता नहीं वाकई देखा नहीं है या नहीं है, ये सोचने अगर लगा आदमी तो इसका मतलब ये कि गड़बड़ हो गई। ईमान ये है कि मेरा रब अल्लाह है, तुम कहते हो कि नहीं देखा है, मुझे तो खुली आंखों हर जगह नजर आता है कि मेरा अल्लाह मौजूद है, मेरा रब अल्लाह है, मैं मानता हूं, इस्लाम मेरा मजहब है, हुजूर ने फरमाया पसंदीदगी इत्मीनान, मेरा मजहब इस्लाम है, मैं पूरी तरह मुतमईन हूं कि यही मजहब इख्तियार करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए, मैं इस पर गौर करने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि तुम बात करो। हाँ, जितना मेरे पास इल्म है, मैं अपने इल्म की रोशनी में, मालूमात की रोशनी में यह साबित करूंगा कि यही मजहब सही है, तुम जो गौर करने के लिए कह रहे हो, शक पैदा करने के लिए, मैं उस पर गौर करने को तैयार नहीं हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं रसूल मानता हूं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हुजूर के आने के बाद किसी और मजहब और किसी और नबी की गुंजाइश नहीं है, सोचने का मौका नहीं है। तो ये जो बात है, ये जिस आदमी के मिजाज में ये बात होगी, उसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया कि ज़ाका तो अमल ईमान, उसको ईमान का जायका मिल जाएगा। जायका मिलने के बाद आप जानते हैं ना, जिसने जायका चख लिया उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। असल बात ये, आपने दूध पिया, दूध आपके हाथ में आया, अभी पिया नहीं, एक आदमी कहता है कि जनाब ये दूध फीका है, इसमें मीठा नहीं है, यकीन कर लेंगे, कह रहा है, दूसरे ने कहा नहीं मीठा है ये, अब उसका यकीन कर लिया, पहले उसने कहा था फीका है उसको मान लिया, दूसरे ने कहा मीठा है। और एक ये है कि आपने दूध पी लिया, अब 100 आदमी खड़े होकर कह रहे हैं कि जो तुमने दूध पिया है वो फीका है, आप कहेंगे मैंने पिया है या तुमने पिया है, चखा किसने है, मैंने चखा है, मीठा है दूध, मीठा था जो मैंने चखा है, तुम चाहे जो कहते रहो मुझे तो यकीन नहीं आएगा दूध मीठा है। असल ये मंजिल है मेरे भाइयों, इस तक पहुंचना है, ईमान का जायका मिल जाए चखने को। जब ईमान का जायका मिल जाएगा तो क्या होगा, अजीब सा लतीफा है कि एक आदमी जंगल में हल चला रहा था, जमीन जोत रहा था, किसी ने पूछा अल्लाह को एक मानते हो, क्या मानता हूं, का क्या दलील है, कहने के दलील यह है कि अगर दोबारा दलील पूछोगे तो यह हल तुम्हारे सर पे मार दूंगा, ये दलील है, गौर नहीं करना है, मसला इधर और रही नहीं, तो फैसला है, तयशुदा मसला है, ये जायका है, जायका अगर चख लिया किसी आदमी ने तो फिर उसके बाद मसला हल हो जाएगा। एक हदीस सुन लें आप इस पर, हुजूर अलैहिस्सलाम से हजरत साहबा ने एक सवाल किया, आयत नाजिल हुई, अफमन शरह अल्लाह सदरहू लिल इस्लाम फहुवा अला नूरि मिन रब्बी, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो आदमी जिसके सीने को अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से एक नूर लिए हुए है,
वो उस आदमी की तरह हो जाएगा जिसके पास ईमान नहीं है, आगे ये महजूफ है वहां पर। तो अब ये जो लफ्ज आया कुरान में, सीने को खोल दिया, सीने को कुशादा कर दिया यानी दिल को, तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। हजरत सहाबा जो थे ना, आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि दुनिया का सबसे जहीन तबका सहाबा किराम पूरी तारीख में, अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको अपने सबसे अजीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब किया था, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी अमानत की हिफाजत उनको करनी थी इस्लाम की, तो जहीन तरीन लोगों का एक मजमा था। वो पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है, ये जो शरह अल्लाह सदरहू लिल इस्लाम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में इससे मिलती जुलती एक बात फरमाई, थोड़ा सा बदल कर आप अल्फाज फरमाया, इन नूरा इजा दखल सदरा इन फसा, जब नूर ईमान का नूर सीने में दाखिल हो जाता है तो सीना कुशादा हो जाता है, दिल कुशादा हो जाता है। अब ये बात भी उससे मिलती जुलती हो गई। तो हजरत सहाबा अजीब लोग थे, अब उन्होंने सवाल बदल दिया। सहाबा ने पूछा फहल लिजालिका मिन अलमिन युअरफु बिही, हुजूर इसकी कोई अलामत भी है क्या जिससे इसको पहचाना जाए, यानी अल्फाज से बात समझ में नहीं आ रही ज्यादा, तो पहचान बताएं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो पहचान बताई है वो हम सबको अपनी जिंदगियों में उतारने की जरूरत है। ये है वो बात जो मैं कह रहा हूं, मैं मुंतशिर सी बात कर रहा हूं, मैंने कई बातों को जोड़ दिया है ताकि ये मजमून मुकम्मल हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि ईमान का जायका चखना है, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं सीना खोलना है, उसका मफहूम क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीन अल्फाज फरमाए, अलामत क्या है, पहचान क्या है, फरमाया अत्तजाफी अंदारिल गुरूर वल इनाबतु इला दारिल खुलूद वत्तअहुबु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूली, फरमाया धोखे का जो घर है, धोखे का घर, इससे अलग होना, इससे उचाट होना, दिलचस्पी ना होना। देखा होगा ना आपने, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनको दुनिया से दिलचस्पी होती है, अजीब गरीब हालत होती है उनकी, वो हर चीज दुनिया की हर चीज को सही करना चाहते हैं, दुनिया से ताल्लुक रखने वाले सारे काम नंबर एक पर हो जाएं, उन्हें लिबास भी चाहिए तो सबसे कीमती और सबसे आला, उनको मकान भी चाहिए तो सबसे ज्यादा सहूलतों वाला, और उनको दुनिया में बढ़ाई भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए और पावर भी चाहिए, सब कुछ दुनिया में चाहिए ना। ये बेवकूफी की बात है। अकलमंद वो लोग हैं जिनकी तबीयत में दुनिया से रगबत नहीं होती। तजाफी का अगर एक लफ्ज में तर्जमा करना है तो बेरगबती, अत्तजाफी अंदारिल गुरूर, दुनिया से बेरगबती। ये पहचान है ईमान का नूर दिल में दाखिल होने की। अच्छा, बेरगबती का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि दुनिया का कोई काम ना किया जाए, अच्छी तरह समझ लें, यूं समझ लें हर आदमी बैतुल खला में जाता है ना जरूरत के लिए, मिसाल जहन में अजीब से आई है, दिलचस्पी भी होती है बैतुल खला से, क्या ख्याल है, बैतुल खला में जब कोई आदमी जाता है तो क्यों जाता है, जरूरत के लिए जाता है, हर आदमी जाता है, रोजाना जाता है। लेकिन बाज लोगों को मैंने देखा कि अंदर किसी को देर हो गई तो वो उसको वो करते हैं, दरवाजे पर खटका करते हैं, यानी जल्दी निकल के आओ, तो मैं रोकता हूं, अरे बाबा कोई इसमें शौक से थोड़ी बैठता है, मजबूरी में बैठता है, जितनी जरूरत और मजबूरी है उतना ही बैठेगा, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा, तो क्यों तकाजा कर रहे हो, उसे फारिग होने दो इत्मीनान से। ये जो बात है, दुनिया जरूरत के लिए, रोज जाना है बैतुल खला मगर दिलचस्पी नहीं है, दुनिया में रहना है, पैसा भी कमाना है, घर भी बनाना है, शादी ब्याह भी करना है, सारे काम करने हैं मगर मजे के लिए नहीं, दिलचस्पी के लिए नहीं, जरूरत के लिए फकत, बेरगबती के साथ। और बेरगबती का मतलब क्या है कि दुनिया के फायदे के लिए आखिरत का नुकसान ना किया जाए।
बस ये फर्क है। ईमान का नूर जिस आदमी के दिल में है वो दुनिया के फायदे के लिए आखिरत का नुकसान करने को तैयार नहीं होता, और जो बेवकूफ आदमी है वो दुनिया के फायदे के लिए आखिरत का नुकसान गवारा कर लेता है। यही फर्क है। तो फरमाया तजाफी अंदारिल गुरूर वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, और जो हमेशगी का घर है आखिरत है उसकी तरफ तवज्जो, उसकी तरफ तबीयत का लगाव, बस जहन में यह है कि आखिरत बन जाए, आखिरत समर जाए। और वत्ताहुबुल मौत क़ब्ल नुज़ूली, मौत के आने से पहले मौत की तैयारी, ये अलामत है, ये पहचान है कि नूरे ईमान सीने में दाखिल हो गया है। अब इस लफ्ज को समझ रहे, अल्लाह ताला सीना खोल देते हैं, हुजूर फरमा रहे जब नूर दिल में दाखिल हो जाता है तो वो कुशादा हो जाता है। कुशादा होने का क्या मतलब है? आखरत जो बड़ी जगह है, जो लंबी जिंदगी है, उस पर उसका ध्यान जम जाता है। जो आदमी दुनिया तक महदूद है वो छोटा आदमी है, उसका जहन छोटा है, उसका दिल छोटा है, उसका सीना छोटा है, तंग है, उसने दुनिया की जरूरतों को असल मान रखा है, तो वो छोटी चीज पर कनाअत कर रहा है। ये बड़े लोग होते हैं जिनके दिल में ईमान का नूर चल आ जाता है, ये बड़े बन जाते हैं, इनकी नजर बड़ी चीज पर होती है और बड़ी चीज आखिरत है। लिहाजा हमें अपने सोच का अंदाज बदलना है, हमें दुनिया में रहना है, और सबसे शानदार नमूना दुनिया में रहने का, आखरत की फिक्र के साथ दुनिया में रहने का नमूना हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, और उनके तरबियत याफ्ता हजरात सहाबाए किराम हैं। सब काम किए, यानी कोई आदमी ये समझे कि साहब आखरत की जो बात की जा रही है तो उसका मतलब है दुनिया छोड़ के, दुनिया के काम छोड़ दे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 24 घंटे जो जरूरत होगी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और हजरत सहाबाए किराम ने दुनिया का कौन सा काम है जो नहीं किया, हमें बताएं। हुकूमत की है, जिहाद किया है, दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन फैलाया है, पैसा कमाया है, पैसा खर्च किया है, ये सब कुछ किया है, लेकिन बस वही मालूम है कि आखिरत पर नजर है। तो हमें इस जमाने के फितनों का अगर मुकाबला करना है, फितने मैंने इशारा किया, तफसीलात बयान करने का मौका नहीं, लेकिन मिशन है शैतान के नुमाइंदों और कारिंदों का ईमान से महरूम करना। शैतान ने कहा था जहन्नम में ले जाऊंगा आदम की औलाद को ज्यादा से ज्यादा, उस मिशन को उसके कारिंदे पूरा कर रहे हैं इस जमाने में, और हमारे भाई शिकार हो रहे हैं। इस ये जो दौर है सोशल मीडिया का, जिसको कहिए इंटरनेट का जो दौर है, इसकी वजह से फितने आसानी के साथ फैल रहे हैं। हमें एक बात और कहनी है, फितने भी तो आसानी के साथ फैल रहे हैं, तो क्या अच्छाई आसानी के साथ नहीं फैल सकती? अच्छाई के लिए भी तो वो रास्ता मौजूद है ना, उन असबाब का, उन वसाइल का, उस मीडियम का इस्तेमाल अगर हम अच्छाई को फैलाने के लिए करें तो ये भी तो मुमकिन है ना, मगर इसके लिए उतनी ताकत अंदर होनी चाहिए जो दूसरों तक अच्छाई को पहुंचाने के लिए चाहिए होती है। मुझे असल में इसी पर लाना था बात को, कि एक मेहनत है जो दिलों पर करने की जरूरत है, क्योंकि ईमान का महल दिल है, ईमान की जो जगह है वो दिल है, और दिल के अंदर ईमान जब ताकतवर होता है तो वो फैलता है, उसका नूर दूसरों तक मुंतकिल होता है। आप गौर करें, वो जो शख्सियात होती हैं जिनके जरिए से दूसरों तक अच्छाई आम होती है, नूर ईमान का नूर उनके जरिए से फैलता है, तो वो कहां से आता है? उन्होंने अपने दिलों पर पूरी मेहनत कर ली होती है, तो उसकी वजह से उनकी चीज दूसरों तक पहुंचने के लायक बन जाती है। जो लोग दुनिया के अंदर बुराई फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके दिलों में बुराई इतनी जम चुकी है कि वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो अब उसका तोड़ यही है कि दिल पर मेहनत करके ऐसी ताकत हासिल की जाए, कम से कम इतनी ताकत हर मुसलमान के दिल में चाहिए कि दुनिया वालों की वो मेहनत उस पर कारगर ना हो सके। यहां वो यकीन वाली बात भी अगर बयान हो जाए
तो मजमून मुकम्मल हो जाएगा, चंद मिनट में बात को खत्म भी करना है। आपने उलमा से, मशाइख से, और सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, उलमा ने कुरान करीम के तीन अल्फाज को बयान किया है जो यकीन के तीन दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। यानी एक है किसी चीज का जानना, एक है किसी चीज को देख लेना, और एक है किसी चीज को बरत लेना। आसान जबान में मैं कह रहा हूं, हमें सबको मालूम है, सारे मुसलमानों को मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जानने की हद तक, बल्कि मानने की हद तक कह ले, पता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यह हर मुसलमान ने इकरार कर रखा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक आदमी मेहनत करता है, अल्लाह की जात के बारे में शक पैदा करता है, तो ये मुसलमान ही तो था, वो जो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, वही तो मुल्हिद बना। क्यों? इसलिए कि उसका ईमान जानने की हद तक था, इल्मुल यकीन की हद तक था। मिसालों से हमारे हजरत ने इसको मिसाल से समझाया, बहुत आसान सी मिसाल इस जमाने की, चाय। हमारे यहां अक्सर जगह चाय गर्म पी जाती है। आपने घर वालों से कहा चाय चाहिए, घर वाले चाय लेने चले गए, आपको पता है कि जो आएगी चाय वो गर्म होगी, यह है इल्मुल यकीन। चाय आ गई, भाप निकल रही है, देख लिया आपने, मुशाहदा हो गया, यह ऐनुल यकीन, देख लिया, ज्यादा पक्का हो गया। मुंह से लगाई, गर्म है, चखने से पता चला कि गर्म है, यह हक्कुल यकीन हो गया। आप सोचें जरा, अगर किसी चीज का इल्म पहले दर्जे तक रहे, वो जो चाय लेने गए हैं वो गर्म चाय आने वाली है, अभी आई नहीं सामने, ये यकीन कोई आदमी अगर कोशिश करे तो खत्म कर सकता है या नहीं? कर सकता है ना। आपके घर में से किसी ने कहा कि वो जो चाय लेने गई हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चाय बनाने का मूड नहीं हो रहा है, वो रखी हुई ठंडी चाय लेके आ रही है आपके लिए, क्या करेंगे आप? यकीन कर ले। हालांकि पहले यकीन था कि गर्म चाय आएगी, मगर जब किसी ने शक पैदा कर दिया तो शक हो गया। लेकिन जब चाय सामने आ गई और भाप उठते हुए आपने देखी, अब अगर कोई कहे कि ये चाय ठंडी है तो आप क्या कहेंगे? नजर नहीं आता है तो भाप है, गर्म है चाय, भाप उठ रही है। अब आपके यकीन को जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता। और जब मुंह से लगा लिया, तो मुंह से लगाने के बाद अब चाहे 100 आदमी खड़े होकर कहें कि चाय ठंडी है, आप कहेंगे चख रहा हूं मैं, पी रहा हूं मैं ठंडी होने की, तुम्हें खबर कहां से हो गई? हो ही नहीं सकता। ये है, मैं फिर वही बात ले जा रहा हूं जो हुजूर ने फरमाया था, ईमान का जायका चखना, चखने के बाद कोई शक पैदा नहीं कर सकता। लेकिन चखने का रास्ता क्या है? कि मेहनत कर करके, दिल के ऊपर मेहनत कर करके यकीन का कम से कम दूसरा ही दर्जा हासिल हो जाए, तीसरा हो जाए तो सुभान अल्लाह ऊपर वाला, लेकिन कम से कम बीच वाला, ऐसा जैसे आंखों से देखा हो, आंखों से देखने के बाद किसी चीज के बारे में शक पैदा नहीं किया जा सकता। हम जबान से तो ये बात कहते हैं कि हमें अपने दीन पर इतना यकीन है, जैसे आंखों से देखी हुई चीज का यकीन होता है, मगर हकीकत में वो कैफियत हमारे दिल की नहीं है। तो दिल पर मेहनत करनी है, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखना है, और दिल पर, अच्छा दिल पर मेहनत का एक ही जरिया है अल्लाह का नाम, दिल में बैठ जाए। किसी पर्दा नशी की याद भी पर्दा नशी निकली, कभी दिल में जो आ बैठी तो फिर दिल से नहीं निकली। अल्लाह की याद ऐसी बैठ जाए कि हर वक्त अल्लाह याद रहे। देखिए, दुनिया के सारे फितनों की ताकत अल्लाह के नाम के सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अल्लाह का नाम है, अल्लाह की जात, अल्लाह तो ताकतवर है ही सब कुछ, लेकिन अल्लाह के नाम में एक ताकत है। बुजुर्गों के यहां इस तरह के वाकयात हुए हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर राघोरी रहमतुल्लाह ने क्या एक जवान को लेकर आए, वो काफिर हो गया था, मुसलमान का बच्चा था, मुर्तद हो गया, उसको लाए हजरत, ये हाल है इसका। हजरत ने फरमाया, भाई हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है, पहले अल्लाह वाले हुआ करते थे, वो कह देते थे एक बार अल्लाह और दिल बदल जाया करते थे, ये जो कहा इसी में उसका दिल बदल गया। वो जो अल्लाह कहा ना,
ये बात करते हुए जो अल्लाह का, इसी में उसका दिल बदल गया, ठीक हो गया वो। ये ताकत होती है, मगर ये ताकत जबान से नहीं होती, ये ताकत दिल से पैदा होती है। दिल में जब ये बात इस तरह जम जाए, बैठ जाए कि आदमी अल्लाह को हमेशा याद रखने के लायक हो जाए, तो फिर वो ताकत हो जाती है। और दुनिया के इस ज़माने के फितनों का मुकाबला, हम बहुत सफाई से बात कहना चाहते हैं, और किसी चीज़ से आसानी के साथ हो नहीं सकता। दानिश्वरी से नहीं होगा, अकलमंदी से नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा समझदारी से नहीं होगा, अल्लाह के नाम का दीवाना बनने से होगा इसका मुकाबला। इस ज़माने में हम सबको इसकी मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। वो नूर ईमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल में दाखिल हो जाए तो दिल खुल जाता है, कुशादा हो जाता है, उस नूर को अपने ईमान अपने दिलों में जमाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सबको ये काम आसान फरमा दे, तौफीक अता फरमा दे। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।